हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर। मैं रश्मि एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इजी तरीके से बनने वाली 5 तरह की सैंडविच, जिसे आप घर के सामान से ही बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डला है कि जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत हो। बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ फ्राइड आलू सैंडविच। इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और हम डाल देंगे इसमें मैश्ड हुए आलू। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी धनिया पत्ती। और लीजिए, तैयार है हमारी स्टफिंग। अब हम लेंगे एक ब्रेड स्लाइस, उस पर लगा देंगे थोड़ा सा टोमेटो सॉस, आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। और हमने लगा दी उस पर फ्राइड आलू। दूसरी वाली जो स्लाइस जिसे हमें ढकना है ब्रेड को, उस पर भी हमने थोड़ा सा सॉस लगा दिया है और इसे अच्छे से दबा देंगे। और अब हम इसको सेकेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें घी लगाया है, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। और इसे मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से ब्राउन होने तक अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो देखिए, सेकते हैं और अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर ही रखें, जिससे कि अच्छे से ब्रेड सिक जाएगी। अगर हम तेज आंच में इसको सेक देंगे तो ये जल जाएगी और अच्छे से ब्रेड सैंडविच हमारी जो सिक नहीं पाएगी। तो अब हम इसको कट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको कट कर दिया है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और अब हम इसे सॉस के साथ सर्व करेंगे। अगली सैंडविच है हमारी मेयोनीज वेजिटेबल सैंडविच। इसे बनाना बहुत ही आसान है। थोड़े से चॉप्ड अनियन लेंगे, थोड़े से चॉप्ड टोमेटो, कटी हुई हरी मिर्च, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कैप्सिकम छोटे टुकड़ों में कटी हुई। अब हम डालेंगे इसमें मेयोनीज। चम्मच मेयोनीज डाला है और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और हमारी स्टफिंग हो जाएगी तैयार। थोड़ी सी डाल दी हमने इसमें चिली फ्लेक्स, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। अब हम ले लेंगे रेड स्लाइस और उस पर लगा देंगे हम ये हमारे जो स्टफिंग हमने जो तैयार की है। सॉस आप लगाना चाहे ब्रेड स्लाइस पर तो लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है। और इसको मैंने अच्छे से दबा दिया और अब हम इसको सेक लेंगे। प्रोसेस वही है, थोड़ा सा घी लगाएंगे और ब्रेड को उस पर सेकेंगे। अच्छे से दबा करके सेकना है सैंडविच को। फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है। तो इसको भी हम अब कट करके देखते हैं। तो ये देखिए, कितनी टेस्टी, कितनी यम्मी लग रही है ना, आ गया ना मुंह में पानी। तो चलिए इसको भी सर्व करते हैं, है ना बहुत ही आसान इसको बनाना। तो आप भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। तो अगली सैंडविच में बना रही हूँ पनीर सैंडविच। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ सबसे पहले पनीर। पनीर को घर पर आसानी से बना सकते हैं, बस दूध को बॉईल कीजिए और उसमें जब उबाल आ जाए तो उसमें डाल देंगे हम नींबू का रस। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध फट गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। तो एक हमने साफ कपड़ा ले लिया है पतला सा, उसमें हम इसे पलटेंगे
तो इसका जो पानी है वो निकल जाएगा नीचे और जो बचेगा ऊपर वो पनीर हमारा निकल आएगा। इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे जिससे कि इसमें जो भी पानी है वो निकल जाए। पनीर बिल्कुल तैयार है, फ्रेश पनीर है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, इसको हम अच्छे से मैश करेंगे और इसमें डालेंगे हम अपने इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर कटे हुए, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया पत्ती। अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो स्टफिंग है हमारी थोड़ी सूखी सी है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या मलाई कुछ भी डाल सकते हैं जिससे कि ये अच्छे से इसकी स्टफिंग बन जाए। तो स्टफिंग हमारी बनकर के तैयार है। अब हम बनाते हैं सैंडविच। तो सैंडविच बनाने के लिए प्रोसेस वही है, आप एक ब्रेड स्लाइस में थोड़ा सा सॉस लगा लीजिए और डाल दीजिए उसमें पनीर की स्टफिंग। बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनती है ये। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो आलू की सैंडविच नहीं खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। बस इसको सेक लीजिए दबा करके, थोड़ा सा बटर या घी जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको भी हम प्लेट में निकालेंगे और इसे भी हम सर्व करेंगे। इसको काट कर दिखाएंगे आपको। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है। तो जल्दी से बना लीजिए आप भी और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब तक हम कर रहे हैं प्लेटिंग तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी हम बना रहे हैं चीज सैंडविच। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो कर लेते हैं इसकी स्टफिंग तैयार। एक बाउल में लीजिए थोड़े से उबले हुए आलू, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी कटी हुई कैप्सिकम, थोड़ी सी कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, हरी धनिया की पत्ती और इसे करेंगे हम अच्छे से मैश। तो हमारी स्टफिंग बनकर के तैयार है और अब हम बनाएंगे सैंडविच। तो ब्रेड स्लाइस पर हमने लगा ली है इसकी स्टफिंग, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अब हम इस पर चीज़ को ग्रेट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही डालें जिससे कि जब वो मेल्ट होगा ना तो उसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। बच्चे तो उंगलियां चाट करके खाते हैं चीज़ सैंडविच, बहुत इजी है इसको बनाना भी। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें, पैन पर घी लगा देंगे और इसे सेकेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे जिससे कि ये जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और अब हम बनाएंगे एक और दूसरी तरह से सैंडविच। ये भी चीज़ सैंडविच है लेकिन इसमें मैंने थोड़े से कटे हुए प्याज गोल टुकड़ों में से लच्छू में काट लिए हैं और इनको रख दिया है इसके ऊपर स्लाइसेस की तरह। अभी हम इस पर रखेंगे थोड़ा सा टमाटर, गोल में काट लिया है मैंने इसको, शिमला मिर्च, और भी जो सब्जी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, गाजर है। अभी मैंने इसको थोड़े से खीरा भी लगा दिए हैं। जो भी सब्जी आपको अच्छी लगती हो आप उसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी इस पर हम डालेंगे स्टफिंग। और इस पर भी हम चीज़ को ग्रेट करके डाल देंगे और इसे एक दूसरी ब्रेड की स्लाइस से दबा देंगे अच्छे से और इसे भी सेक लेंगे। बस इसको थोड़ा सा दबा देना है जिससे कि जो सब्जियां हैं वो दब जाए अच्छे से। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये हमारी जो चीज सैंडविच है अच्छे से सेक गई है। देखिए मेल्ट भी हो गई है चीज़, कितनी यम्मी लग रही है। और ये दूसरी सैंडविच भी तैयार है तो हम इसको कट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। बहुत ही
इजी है इसको बनाना। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। बच्चे चीज सैंडविच के चक्कर में सब्जियां भी खा जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चीज सैंडविच। इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए लग रही है ना फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी। तो देर किस बात की, जल्दी से बना लीजिए और अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जो अगली सैंडविच हम बनाने जा रहे हैं उसे बनाना बहुत ही आसान है। ये है हमारी पोटैटो अनियन सैंडविच। इसमें मैंने लिया है मैश किए हुए आलू, इसे मैंने फ्राइड नहीं किए हैं, और कटा हुआ हमने डाला है इसमें प्याज, कटे हुए डाले हैं टमाटर, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हरी धनिया पत्ती, और थोड़ा सा इसमें डाला है हमने टोमेटो का सॉस, और हम इसको करेंगे मिक्स। बनाना बहुत आसान है। मैंने इसमें आलू को फ्राइड नहीं किया है। अब हम रेड स्लाइस लेंगे और उस पर लगा देंगे टोमेटो केचप, और उस पर हम लगाएंगे अपनी स्टफिंग। इसमें आप थोड़ी सी नमकीन सेब भी डाल सकते हैं या फिर कोई नमकीन भी डाल सकते हैं आप। तो मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी नमकीन। एक दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसको कवर करेंगे और थोड़ा सा घी लगा करके इसको सेक लेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जो हमारी गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम लो ही होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो सैंडविच बनेगी बहुत ही खस्ता एकदम से कुरकुरी बनेगी। ये देखिए बन करके तैयार है। इसको भी हम कट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी यमी लग रही है ये। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकें। फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।